हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल जो कि कक्षा 10 का 15.3 के अंदर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो अपन प्रारंभ करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, यह मिश्रित एक्सरसाइज है वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल की। अगली एक्सरसाइज का दी गई आकृति, ये आकृति दे रखी है ए बी एम सी। तो देखते हैं ए बी एम सी, ये एम सी, ये जो आकृति है ये आकृति किसकी? चतुर्थांश की है। तो त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर, और यहाँ पर एक व्यास ये खींचा हुआ, एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी इस बीसी व्यास के ऊपर ये अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुर्थांश की, जो आपको दे रखा है। ये जो चतुर्थांश दे रखा है ये वाला ए बी एम सी, तो दी हुई चीज से ही शुरू करते हैं। वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर, और वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ये वाली 14 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या ही है, तो ये है 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो ये चतुर्थांश है, इसके बिंदु बी और सी को मिलाकर ये जो ऊपर जो दिख रहा है, ये जहाँ छायांकित भाग भी है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये अपन इसका केंद्र यहाँ मानते हैं, तो ये अर्धवर्त हो गया। ये अर्धवर्त का व्यास हुआ, ये अर्धवर्त का व्यास ज्ञात करना। इससे पहले चतुर्थांश में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो हमें समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण कौन सा हुआ? एबीसी। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसमें आधार 14 सेंटीमीटर है, 14 का स्क्वायर, और लंबी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो क्या बना? 14 का स्क्वायर करते हैं 196, इसका भी 196 हो गया। आपको पता है 196 टू टाइम है, तो 2 × 196 करते हैं, और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14, और साथ में जो 2 पड़ा उसका नहीं निकलता, तो √2। इसका वर्गमूल हो गया 14, 2 का रूट नहीं निकलता, तो इसलिए √2 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? इस कर्ण बीसी की वैल्यू आ गई। अब बीसी की वैल्यू आ गई तो अपन अर्धवर्त की बात करते हैं, जो बीसी पर अर्धवर्त बना हुआ है। अर्धवर्त का व्यास है ये, अर्धवर्त का व्यास बीसी 14√2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो बट्टा 2, तो कितना बना? 7√2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या बन गई। अब इस छायांकित भाग की बात करें, देखो अपने पास 2 तरह की त्रिज्याएं आ गई। यहाँ तो प्रश्न में दे रखी चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश का मतलब है मैं पेन चला रहा हूँ वही चतुर्थांश है, ए बी एम सी ये वाली आकृति है वो चतुर्थांश है। और यहाँ जो ये त्रिज्या फाइंड आउट की अपन ने, ये त्रिज्या इस बी सी व्यास पर जो अर्धवर्त बना हुआ उसकी त्रिज्या है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा? देखो
छायांकित बाघ का क्षेत्रफल। अपन केवल इसकी बात करते हैं, ये वाला बी सी और ऊपर एन लिखा हुआ है, तो ये बी सी एन क्या हो गया, अर्धवर्त है। अब इस अर्धवर्त में से ये जो चीज है, ये जो जो छायांकित नहीं है वो क्या है, वो देखो एक वर्त का, ये वर्त का चाप है और ये जीवा है। वर्त के चाप और जीवा से बनने वाली आकृति को लघु वर्तखंड बोलते हैं, ये लघु वर्तखंड हो गया और ये पूरा जो है अर्धवर्त हो गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवर्त में पूरा आ जाएगा छायांकित और अछायांकित माइनस ये जो अछायांकित भाग है, ये क्या है, ये है लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ थोड़ी दो बातें आपको समझनी है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवर्त तो कहाँ से बना है, बीसी से, और लघु वर्तखंड जो बना है वो इस चतुर्थांश पर आधारित है। देखो ये चतुर्थांश के अंदर बना हुआ है, तो ये लघु वर्तखंड में जो त्रिज्या काम आएगी वो चतुर्थांश की त्रिज्या काम आएगी, और अर्धवर्त में जो त्रिज्या काम आएगी वो ये काम आएगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन ऑफ थीटा। इसको सॉल्व कर लेते, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर ये अर्धवर्त की आर की बात कर रहा है, अर्धवर्त की आर है 7√2 इंटू 7√2, 2 टाइम्स आएगी आर का स्क्वायर, इसलिए माइनस पाई की वैल्यू 22/7 आर, ये आर जो है लघु वर्तखंड की, लघु वर्तखंड की आर जो है काम आएगी जो चतुर्थांश की आर यानी 14 इंटू 14। थीटा का मान कितना, थीटा बनना 90 डिग्री बट्टा 360 माइनस आर, वही 14 × 14 बट्टा 2 और 7 में इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, ये साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री। देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, √2 और √2 का इंटू होता 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया इस साइड से, √2 और √2 का गुणा होता 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बन गया 22 × 7 बचेगा, ये 22 और ये 7 बच गया, माइनस 9 × 36, 4 बार कट गया, 7 के पहाड़े से ये कितनी बार, 2 बार, 2 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 के पहाड़े से ये 7 बार, तो ये भी कितना हो जाएगा 22 × 7 माइनस ये 14 196/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, ये हो गया 154, 22 × 7 154 माइनस ये भी हो जाएगा 154 और ये हो जाएगा 98। देखो ये अलग हल करना और इसको अलग हल करना, इसका हल ब्रैकेट में ही रखना, ये ब्रैकेट में रखा, अब इसकी ब्रैकेट को हटा सकते हैं, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98, ये देखो माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू गई, तो अपना आंसर क्या हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना, यहाँ पर ध्यान दें। दूसरा बहुत अच्छे प्रश्न है, आकृति में छायांकित डिजाइन यानी ये वाली का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहाँ ए बी सी डी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए, ये 10 सेमी ये भी 10 सेमी है, तो यहाँ आपको वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेमी, और ये अर्धवृत्त खींचे गए, ये अर्धवृत्त है, देखो इधर इधर ये अर्धवृत्त है, इधर ये अर्धवृत्त है, ये इधर अर्धवृत्त, इन अर्धवृत्तों से ही क्या बनी हुई है डिजाइन, तो अर्धवृत्त
का व्यास जो है वो भुजा के बराबर यानी 10 सेमी है, तो आर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 5 सेमी। अपन क्या करते हैं इसको, ये जो छायांकित भाग नहीं है उसको अपन पार्ट में लगा देते हैं, पार्ट वन ये हो जाएगा, पार्ट थ्री ये हो जाएगा, पार्ट थ्री और ये हो जाएगा पार्ट फोर, 1 2 3 4। आकृति में अछायांकित भाग जिसमें छाया नहीं है, वन टू थ्री एंड फोर दर्शाने पर दर्शा दिया। अब अपन को ये फाइंड करना है कि वन व पार्ट टू, पार्ट वन और पार्ट टू भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखो पार्ट वन यानी ये छायांकित भाग नहीं है वो वाला, और पार्ट थ्री, थ्री लेते हैं सॉरी, टू की जगह थ्री, पार्ट वन और इसके सामने पार्ट थ्री, ये कैसे आ सकता है, ये जब अपन इस हिस्से को देखना आप, ये क्या बन रहा है पेन से, ये अर्धवृत्त बना, ये अर्धवृत्त और इधर से ये वाला अर्धवृत्त हटा दें, यानी कि इधर का ये आधा वृत्त और इधर का ये आधा वर्ग मिलकर के वर्ग बन रहा है। तो कहने का मतलब हो गया है कि ये जो वर्ग है इसके वर्ग में से आधा वर्ग और आधा वर्ग यानी वर्ग घटा दे तो पार्ट वन और पार्ट थ्री का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त कैसे बना, दो अर्धवृत्तों से, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 10 × 10, पाई का मान वही 22/7 × त्रिज्या है 5 × 5। तो 10 × 10 से हो गया 100 माइनस, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 110 पचम 25, 25 ये बाईस 22/7 × पचम 25 कितना बनेगा, 10 100 माइनस 25 × 2 = 50, 5 50 और 5 55/7 कितना हो जाएगा, 100 − 7 = 7 7 × 7 = 50, यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 = 60, 7 × 8 = 56, 56 = 40 बच गया, 7 × 5 = 35, ये लगभग 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो जैसे वन और थ्री का ये आया तो टू और फोर का भी यही आएगा, इसलिए पार्ट टू व पार्ट फोर का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये तो ये जो 1 2 3 4 पार्ट है ये तो क्या है, ये कैसे पार्ट है, ये अछायांकित भाग है, अपने को डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल जो कि छायांकित भाग है, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पार्ट वन टू थ्री एंड पार्ट फोर का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100, 10 × 10 और भुजा स्क्वायर होता है भुजा इंटू भुजा, पार्ट ये दो बार है, वन और थ्री का भी यही आया और टू और फोर का भी यही है, तो 21.5 का ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 21.5 का दुगुना कितना हो गया,
सेंटीमीटर, और 100 में से 43 घटा देते हैं तो 57 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1 और 3 पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, इस अर्धवर्ग को और इस अर्धवर्ग को घटा देते हैं। तो 1 और 3 का आ गया, ऐसे कैसे फिर वो 4 का आ जाएगा, 1 2 3 4 का आएगा, वो पूरे वर्ग में से घटा देंगे तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अच्छा सा, और अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। थैंक यू।